इंडिया स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर है रैंकर्स अकेडमी। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर कि जब एक गरीब बच्चे ने कहा कि कोई ऐसी दवा दें जिससे भूख ना लगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए कोर्ट के हुकुम को मद्देनजर रखते हुए 20 अप्रैल से रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू का ऐलान किया। ये कर्फ्यू मुसलसिल 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पुलिस को चाहिए था कि वो हाई कोर्ट चुनौती लेने के बाद बेदार न हो। अगर पहले ही पुलिस हुकूमत होश के नाखून लेती तो बेहतर था। पुलिस को चाहिए था कि वो मासूम रोजेदारों का पीछा छोड़कर और मस्जिदों की चेकिंग छोड़कर खुद शराब खाने और बार और दूसरे गंदगी के पब्लिक स्पॉट पर नजर रखें और उसको कंट्रोल करें, लेकिन पुलिस ने इसके बरखिलाफ मुसलसिल नमाजियों को और रोजेदारों को निशाना बनाया। ये बात काबिले मजम्मत है। कचरा रोडों पर ना फेंकें, सड़कों और बाजार को साफ सुथरा रखें। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी की शहरियों से अपील। मेयर ने कहा, शहर को साफ सुथरा रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है और बेतरतीब कचरा फेंकने से जीएचएमसी के कारकुनों को कचरा उठाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे नामे निगार के मुताबिक कई हफ्तों से कचरे की सफाई अमल में नहीं आई जिससे सारा शहर गंदा नजर आता है और शहर में हर तरफ ताफुन फैल चुका है। గత 5 o'clock మార్నింగ్ నుంచి చెత్త రోడ్ల మీద ఉంటుంది, అంటే రాత్రి నుంచి ప్రజలు చెత్త తీసుకెళ్లి రోడ్ల మీద వేస్తున్నారు. ఆటోకి ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు, చాలా ఫ్యూ మంది ఆటోకి ఇస్తున్నారు చెత్త. అయితే మా జిహెచ్ఎఫ్సి వర్కర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 18,000 ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు. 5 o'clock నుంచి ఎవ్రీ డే ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వేరియస్ విధంగా ట్రైసైకిల్స్తో కానివ్వండి, ఆటో టిప్పర్స్తో కానివ్వండి, మాన్యువల్లీ లిటరలీ చెత్త పిక్ చేసే ర్యాగర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది నగరవాసులతో ఒకటే, మీరందరూ కూడా మాకు సహకారం ఇవ్వాలని, మీరు కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తే, మీరు చెత్త తీసుకెళ్ళి ఆటోకి ఇస్తే ఎంతో ఇది సగం ఆల్మోస్ట్ సగం 50% ఆఫ్ మా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతుంది, సిటీ ప్రాబ్లమ్స్. पुलिस स्टेशन बंजारा हिल्स के हदूद में हिजड़ों ने ऑटो ड्राइवर से 1,000 रुपए की नगद रकम छीनी। ऑटो ड्राइवर ने इसकी शिकायत बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए 7 हिजड़ों को गिरफ्तार किया। शीट टीम को छेड़छाड़ और जिंसी तशद्दुद के वाकयात को रोकने के लिए वजीर दाखिला महमूद अली और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों शी बाइक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि इसका मकसद ख्वातीन और बच्चों को महफूज रखना और ख्वातीन पर जिंसी तशद्दुद के वाकयात को कम करना है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एक हफ्ता तवील लॉकडाउन का ऐलान। केजरीवाल ने तारिकीन वतन पर जोर दिया है कि वो दिल्ली ना छोड़ें। एक छोटा लॉकडाउन है। बढ़ते हुए खौफ के दरमियान तारिकीन वतन ने अपने आबाई मुकाम की तरफ लौटना शुरू कर दिया। दिल्ली में पिछले कोरोना की तरह सख्ती से निजामुद्दीन इलाके में गाड़ियों की नकलो हरकत पर नजर रखी गई और चेकिंग की गई। हिंदुस्तान में जुमला कोविड केसेस 2,59,000 और तेलंगाना में हुए 5,926 रिकॉर्ड। मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी हुए कोविड पॉजिटिव। फैक्ट न्यूज इंडिया स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर है रैंकर्स एकेडमी। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद।